हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूं उसके पीछे क्या सीक्रेट है, कैसे हम उसको एक अच्छे डेली प्रॉफिट में ही अपने टर्मिनल को क्लोज करते हैं। उसके लिए हम वन बाय वन करके सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। आज आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको अच्छी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेसिक क्या है और कैसे हम ट्रेड करते हैं उसमें हमारा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक आइडेंटिफाई हम करते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हमें कैसी करनी है, कि उसमें हमें उस ट्रेंड को हम पकड़े और उस तरह से हमें उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले और हम उसमें पॉजिटिव साइड में रहें। तो इस तरह से एक टेक्निकल इंडिकेटर बहुत ही वैल्यूबल होता है और इसके थ्रू बहुत इजी वे से हम अपने उसको मार्क कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, चार्ट आते हैं, चार्ट की हम एनालिसिस करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है चार्ट एनालिसिस में, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन। कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ही प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन के थ्रू ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। उसके बाद उसकी के उसमें इंडिकेटर बहुत तरह के होते हैं। फिर ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं, इस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इस तरह से डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है और इस पर हम एक एक करके ड्रा करते हैं। लेकिन इन सब को यूज करने में केवल हम यहाँ से कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। इंडिकेटर का यूज़ मैं नहीं करता हूँ। और भी कई सारी तरीके हैं ट्रेड करने के, लेकिन जो ईजी वे से ट्रेडिंग होती है वो मैं यही फॉलो करता हूँ, ईजीली वे से और समझ में आए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एक कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी कि कैंडल क्या होती है, इसके कलर क्या होते हैं। कैंडल जहाँ ओपन हुई लोअर साइड में, हायर साइड में गई, यहाँ क्लोजिंग किया इसने तो इसको ग्रीन बने। अगर यही ऊपर क्लोज हुई है और नीचे बंद हुई है, हायर साइड खुल के लोअर साइड, तो ये रेड हो जाती है, कलर ऐसे चेंज होता है। किसी में ब्लैक एंड वाइट होती है, जैसे आप अपने उसमें टर्मिनल में सेलेक्ट करेंगे उस तरह से होता है। इसमें जो हायर पॉइंट होता है अपर वीक बोलते हैं, जो लोअर पॉइंट होता है उसको लोअर वीक बोलते हैं, और जिसमें मेन सॉलिड पार्ट होता है इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो अपर वीक और लोअर वीक होता है यहाँ पे प्राइस एक्शन का मोमेंटम होता है। और कैंडलस्टिक की अगर टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बुलिश कैंडल जो होती है ग्रीन कलर की होती है, ये नॉर्मल कैंडल हो गई, फिर डॉजी फॉर्मेशन होता है, फिर हैमर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में ड्रैगन फ्लाई कह लें या फिर इसको भी हैमर ही बोलते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। जस्ट इसका अपोजिट जो होता है बेरिस कैंडल होता है। बेरिस रेड कलर की होती है और सेम तरह का कैंडल होता है, उसके अपोजिट में होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जो इन कैंडल्स के थ्रू ही बनता है, जो भी हमने आगे देखा। तो इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न में दो मिलेगी तभी वो कैंडल बनेगी। एक कैंडल क्या क्या होती है, डॉजी होता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर या रिवर्स हैमर, बुलिश सिंगल, बेरिश सिंगल, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरह के डिफरेंट टाइप की होती हैं। अपनी अपनी लोगों की टर्मिनोलॉजी है जो वो यूज करते हैं। तो यहाँ से आप हम एक एक करके देखेंगे। तो हमने सबसे पहले डॉजी देखा। डॉजी पैटर्न को इस टाइप का होता है। ये डॉजी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। अगर आप देखोगे हम बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, दोनों ने फाइट किया आपस में और अल्टीमेटली अपसाइड में ही क्लोज किया, क्योंकि इसके नीचे नहीं गया है प्रीवियस कैंडल। अगर उसके नीचे जाने लगता तो फिर ये लोअर साइड हो जाता है, क्योंकि ये फाइट में डिसाइड नहीं हो पाता कि मोमेंटम कहाँ पे होगा। इसके नेक्स्ट कैंडल में डिसाइड होता है कि अपसाइड जाना है या लोअर साइड जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हैमर। हैमर की अगर आप बात करेंगे तो हैमर बनता है, लोअर साइड में बनता है तो हैमर होता है, बिग डाउन साइड में होती है, वहाँ से प्राइस एक्शन बनता है ऊपर की तरफ के। नेक्स्ट होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में जब ये मोमेंटम लगातार अपसाइड होता रहे, उसके बाद में जब नीचे की तरफ आता है तो ये हैमर बनता है इस तरह का, तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ये जहाँ भी बनता है उसके जो नेक्स्ट कैंडल होते हैं उसके अगर अपसाइड क्लोज कर रही है तो ये हायर साइड चला जाएगा, लोअर साइड क्लोज कर रही है तो लोअर साइड चला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हम आ रहे हैं एंगल्फिंग में। एंगल्फ क्या होता है, किसी भी प्रीवियस कैंडल को, जस्ट प्रीवियस की कैंडल को उसको पूरा इंगल्फ कर ले, मतलब अपने अंदर में समाहित कर ले, ऐसा कुछ रहता है।
क्योंकि इस कैंडल का आप देखोगे हाई और लो, इस कैंडल का हाई लो के पूरा अंदर है, थोड़ा 19-20 होता चलता है, इसको तो हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न देता है। ये देखिए लगातार डाउनफॉल आ रहा था, यहाँ से इसको अपसाइड मिला, इंगल्फ किया तो अपसाइड निकल गया। नेक्स्ट हमारा आता है बेरिश इंगल्फ। बेरिश में क्या होता है, लगातार अपसाइड मोमेंटम यहाँ से होता हुआ जा रहा था, 5-6 कैंडल अपसाइड थी, उसके बाद में इंगल्फ किया और ये डाउन साइड मूव आ गया इसमें। तो इस तरह के कैंडल्स को हम यूज़ करते हैं, बुलिश इंगल्फ बेरिश इंगल्फ, इनको मैं कुछ ज़्यादा यूज करता हूँ। और साथ में नेक्स्ट हमारा ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेम कैंडल हैं, उसका हायर लोअर पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, आप ये देख सकते हैं। दो कैंडल है, हैमर होगी, दोनों दोनों ड्रैगन फ्लाई होगी, डॉजी होगी, ये सब सेम टाइप की हैं। तो किस टाइप का पैटर्न बनता है ट्विजर टॉप, इसको हम ट्विजर टॉप बोलेंगे। ट्विजर टॉप का एग्जांपल की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, दोनों कैंडल ऑलमोस्ट सेम टाइप की बनी है, थोड़ी 19-20 है, तो इसको हम टॉप बोलेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ से टॉप से ये डाउनफॉल हुआ है तो अच्छा मोमेंटम इसने दिया है। एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए और है, अभी हम इसको फर्दर चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट में कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो दो कैंडल बननी है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप की हों, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल उसको क्रॉस करेगी उसको हम वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इधर अगर टॉप पे बनी है ट्विजर टॉप है तो उसको डाउन साइड के लिए देखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट बॉटम में होता है ट्विजर बॉटम में। तो हम नेक्स्ट हम आ गए हैं ट्विजर बॉटम में। ये सारी कैंडल जो बनती है सेम टाइप की हैं, ये उसकी अपोजिट होती है टॉप की और ये डाउन साइड में बनती हैं। लगातार नीचे फॉर्मेशन आ रहा था, नीचे बायर्स आए, उसको इन्होंने होल्ड किया, फिर नेक्स्ट में इन्होंने कन्फर्म किया कि हम ऊपर साइड जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह के इसमें कुछ पैटर्न बनते हैं, यहाँ आप देखेंगे यहाँ देखेंगे अप साइड जाने के लिए रेडी हो गया, तो सेम इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट इसका मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि राइजिंग, सन राइजिंग हो रहा है। तो राइजिंग का मतलब क्या है कि ये कहीं भी आप यूज करेंगे, सब जगह यूज होता है, चाहे आप इंडेक्स को ट्रेड करें, डेरिवेटिव को, करेंसी को या फिर स्टॉक को। तो इसमें क्या होता है, एक गैप डाउन हुआ फिर गैप अप हो गया, तो इसमें एक और जो गैप अप हुआ उसके बाद उस कैंडल को अगर ऊपर क्रॉस करता है तो बुलिश अप ट्रेंड हो जाता है और इसमें अच्छा फॉर्मेशन मिलता है, मॉर्निंग स्टार हो गया। मॉर्निंग स्टार अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल कुछ टाइप का है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फॉर्मेशन अपसाइड के लिए दिया है। ये तीन कैंडल का समरी होते हैं, तीन कैंडल में पहले गैप डाउन होगा, फिर डॉजी फॉर्मेशन, फिर गैप अप होगा, फिर गैप अप होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो उसको क्रॉस करेगी हायर पॉइंट को, वहाँ से हम इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नेक्स्ट हमने लिया है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार आप देखोगे टॉप पे बना रखा है, पहले ऊपर जा रहा था, गैप अप हुआ, फिर गैप डाउन हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, वहाँ गैप डाउन होकर गैप अप हो रहा था, यहाँ गैप अप होकर गैप डाउन हो गया। तो इवनिंग स्टार मतलब सन सेट हो रहा है, तो सेट का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा का मतलब होता है बेरिश, बेरिश का मतलब होता है डाउन साइड, जस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये डाउन साइड मूव का आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा फॉर्मेशन रहता है, आप देख सकते हैं अब ट्रेंड था ऊपर इंगल्फ किया, सॉरी ऊपर डॉजी फॉर्मेशन हुआ गैप अप होके, फिर गैप डाउन हुआ, फिर जब इसके नीचे निकला तो ये अच्छा डाउन साइड मूव दिया। अगर यहाँ आप इसमें देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन है अप साइड में, यहाँ देखेंगे कलर ऑलमोस्ट सेम है लेकिन गैप अप होके फिर गैप डाउन हुआ। यहाँ आप देखोगे यहाँ भी सेम वैसा फॉर्मेशन है। तो इस तरह से पहले गैप अप हुआ डॉजी फॉर्मेशन, फिर गैप डाउन हुआ, उसको क्रॉस करने की कोशिश किया नहीं किया, फिर नेक्स्ट में जब मूव आया आप देख सकते हैं डाउन साइड आ गया कितना अच्छा। इसके बाद जो बेस्ट पैटर्न है सिल्वर को ट्रेड करने के लिए, कमोडिटी को या किसी भी स्टॉक को ट्रेड करेंगे आप, तो वहाँ पर डबल टॉप का बहुत ही अच्छा रहता है। जब डबल टॉप ये पैटर्न बनता है कुछ एम टाइप का, जब नेक लाइन को नीचे निकले तो यहाँ से आपको अच्छा फॉल होता हुआ दिखता है, जस्ट इसके डबल में इसका डाउन मूव होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये रिवर्सल साइन होता है कि इसके नीचे निकल रहा है तो यहाँ से आपको डबल टॉप में डाउन जाएगा नेक लाइन के, तो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो जाएगा और आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। डबल टॉप की एग्जांपल की बात करें तो एक टॉप यहाँ बना था, एक टॉप यहाँ बना था। अगर नेक लाइन की बात करें, नेक लाइन कुछ ऐसी फॉर्मेशन थी, एक दो नीचे कैंडल है उसको छोड़ देंगे, मैक्सिमम टच पॉइंट यहाँ मिलता है हम उसको लेते हैं, तो यहाँ से हमें डबल टॉप का होगा। अब डबल बॉटम की अगर आप बात करेंगे तो डबल बॉटम जस्ट अपोजिट होता है, ओ एम था या डब्लू था, डब्लू पैटर्न भी इसको बोलते हैं, उसको एम पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं डबल
बॉटम बनाया इसने, बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकला ये। तो इस तरह से आप देखोगे काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन था। अब हम इसके बाद में, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। चार्ट पे अगर चलेंगे तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल्स आप पहला देखेंगे तो यहाँ से हम चल रहे हैं, अभी हमें कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ कुछ हैमर टाइप का पैटर्न बनाया था इसने, तो इस पैटर्न के जब इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन हुआ था ये डाउन मूव आ रहा है। एक पैटर्न यहाँ था तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन मूव मिला होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एंगल्फ की जो हम बात कर रहे थे, एंगल्फिंग की अगर हम बात करेंगे, एंगल्फ को आप देखोगे तो बहुत अच्छा एंगल्फिंग पैटर्न आपको दो दिख रहा है। एक तो ये एंगल्फ कर रहा है और एक अभी छोटा हम इसको करते हैं तो हमें दो एंगल्फ करते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों एंगल्फिंग पैटर्न बहुत ही बेटर है। एक कुछ इसने एंगल्फ किया, एक यहाँ एंगल्फ किया, दोनों बहुत अच्छा एंगल्फ किया, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया। अब यहाँ आप देखोगे तो ये डबल टॉप भी बन रहा है। और जब इसने इस नेकलाइन के नीचे क्रॉस किया, अगर नेकलाइन की हम बात करें तो नेकलाइन को हम इसको ड्रा करते हैं। कुछ यहाँ तक निकल के आएगी। तो ये नेकलाइन के नीचे आपने ड्रा किया तो नेकलाइन में ये थोड़ा जोन रहेगा। नेकलाइन जो नीचे वाली लाइन को क्रॉस करेगी डाउन साइड के लिए तो बहुत अच्छा मूव आप देखोगे। डाउन साइड कितना अच्छा मूव दिया है। अगर आप देखो 66,000 से लेके 61,000, 4-5,000 का मोमेंटम इसने दे दिया डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर आपको डबल टॉप भी मिल गया, आपको एंगल्फ भी मिल गया और यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी हो गया। लेकिन इन सब का पैटर्न अगर आप देखोगे तो पैटर्न के साथ में अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा इसमें ट्रेड बनता है। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे दोबारा से आपको डबल टॉप मिला, एक यहाँ टॉप बनाया, यहाँ टॉप बनाया। जब इसने इसे नेकलाइन को नीचे ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा, अगर बात करें तो नेकलाइन इसकी कुछ यहाँ बनेगी क्योंकि मल्टीपल कई टाइप यहाँ पर हिट किया। तो यहाँ से आपको भी लगभग 2-3 हज़ार का पॉइंट डाउन साइड मूव इसमें भी दिया। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं कुछ और पैटर्न दिखता हुआ दिख रहा है तो हम यहाँ चलेंगे आगे। अब यहाँ आप देखोगे तो कुछ इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया है। यहाँ पहले गैप अप हुआ था, फिर डाउन आ गया, कुछ डॉजी टाइप फॉर्मेशन किया, फिर गैप डाउन हो गया। यहाँ भी इसने हैमर बनाया। तो इस तरह से हैमर और ये सब बना के इसी रेंज में बना रहा। जब इसने इस रेंज को ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं फिर इस रेंज ने इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट कर दिया। दोबारा भी आया तो इसको उसने ब्रेक नहीं किया। और फिर यहाँ से आपको मोमेंटम और डाउन साइड की देखोगे तो डाउन साइड मोमेंटम बहुत ही बेस्ट मोमेंट मिला है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल गया, साथ में थोड़ा सा इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार का कुछ पैटर्न बन गया या फिर इंगल्फिंग बन गया कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आपको वहाँ से बेस्ट बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलती है। तो जो मैंने आपको ट्रेडिंग दिया आप बैक स्टडी करके उसमें देख सकते हैं। जो भी आज हमने पैटर्न सीखा है वो बहुत अच्छा था। ये देखिए कितना अच्छा इंगल्फ किया, लगभग दो कैंडल का प्रेशर इसने ख़त्म कर दिया। जब इसके नीचे निकला था आप इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छा डाउन मूव आया। डाउन मूव लगभग एक ही दिन में आप बात करेंगे तो लगभग 5,000 पॉइंट का एक दिन का मोमेंटम है। तो ऐसा कभी कभी होता है, बट होता है। अभी हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, कुछ थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ से गैप डाउन हुआ था। क्लोजिंग से बात करें, क्लोजिंग से गैप डाउन हुआ, हल्का गैप डाउन हुआ लेकिन हुआ। फिर ये डाउन साइड गया, फिर यहाँ बना रहा, फिर ये अप साइड गया। अगर आप इसको हैमर भी मानते हैं या मॉर्निंग स्टार मान, जो भी आपके लिए बेटर लगे, आप उस तरह से देखिए इसमें कितना अच्छा मूव अप साइड के दिया इसने। इस कैंडल ने लगभग 10,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम दिया अपसाइड के लिए। पोजीशन के लिए ऐसे ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में ये देखता हूँ कि अगर कहीं कोई जोन बन रहा है तो जोन का ब्रेकआउट अगर मिलता है मुझे तो बहुत अच्छी बात है। अगर जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बेस में ट्रेड करता हूँ। जैसे यहाँ देखोगे यहाँ आया था, यहाँ अगर यहाँ से ऊपर ये निकलता तो फिर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से बाई करने के लिए देखता। तो इस तरह से आपको सभी जगह कुछ ना कुछ पैटर्न मिलते हैं और उसके बेस में आपको ट्रेडिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ आज की लर्निंग वीडियो।
कैसी लगी बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट करते रहिए, मैं फर्दर आपके लिए एनालिसिस लेके आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।